हाय फ्रेंड्स, तो एटा आमर लाइट चैप्टर रो लेक्चर नंबर एटा होची 3। तो आमर जो प्रीवियस दीटा लेक्चर हेतला पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो आमे से दीटा रे कोन देखितले प्लेन मिरर एवं स्फेरिकल मिरर विषय रे आमे जानितले। एवं स्फेरिकल मिरर रे आमर इमेज जो किंबा प्रतिबिंब सृष्टि होची ता विषय रे आमे जानितले। तो आज आम से जो आमर प्रतिबिंब सृष्टि होता मिरर रे तारो आम जानवा फॉर्मूला कौन। तो मुझे लिखुची मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला अच्छी यार डेरिवेशन अच्छी, तो आम डेरिवेशन देखा ना कारण सेटा आमर एग्जाम रिलेटेड नुह। तो मुझे डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखिदेव। फॉर्मूला कौन आमर 1 by F equal to 1 by U plus 1 by V। मिरर फॉर्मूला कौन 1 by F equal to 1 by U plus 1 by V। तो ये स्टार मार्क मध्य कर दो ची। तो आमर F कौन आम जाने F आमर है कौन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एफ हेगला आमर फोकल लेंथ किंबा फोकस दूरता ओडिया रे मध्ये लिखि दउची फोकस दूरता। तो एफ को आमे कौन लिखु आर बाय टू मध्ये लिखु, आर बाय टू जोटा कि आमर रेडियस ऑफ कर्वेचर रो अधा। नेक्स्ट हेगला यू, यू कौन आमर यू हेगला आमर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को हमें जो मिरर रे रखिबा केते दूर रे रखिबा सेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हे गला हमरो कोन यू किंबा ओडिया रे याको लिखि दउची पोल थारु वस्तु रो दूरता को, पोल थारु वस्तु रो दूरता, वस्तु रो दूरता। वी हेगला आमर कौन इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस किंबा प्रतिबिंबर दूरता, प्रतिबिंब दूरता। तो ये जो फॉर्मूलाटा मुझे कहली यार आम यूज मध्य करवा। तो हेगला कौन 1 by F इक्वल टू 1 by U प्लस 1 by V। तो ये जो फॉर्मूलाटा यूज कर फर्स्ट आम कौन जानवा यार साइन कन्वेंशन जानवा कौन, फर्स्ट आम जानवा साइन कन्वेंशन ये लिखुची साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन आमर कौन। तो फर्स्ट मु मिरर बनाऊँगी ये गला आमर को मिरर कनकेव मिरर किंबा अवतल दर्पण ये गला कनकेव मिरर। तो ये जो कनकेव मिरर रे फर्स्ट मु गोटे प्रिंसिपल एक्सिस बनाऊँ ये गला आमर कौन प्रिंसिपल एक्सिस मिरर रो मिड पॉइंट को आम कौन कहू पोल बोली कहू, ये गला सी को मु कहली सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये गला फोकस एफ हेगला फोकस, फोकस मीन्स कैपिटल एफ आउ फोकल लेंथ हेगला ताकु स्मॉल एफ रे डिनोट कर। तो ये जो मिरर रे आमर ऑब्जेक्ट गोटे रही जदि ये अच्छे ऑब्जेक्ट एटा हेगला ऑब्जेक्ट किंबा वस्तु ए बी एवं एटा कौन ये हेगला आमर प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस किंबा याको आमे कौन को प्रमुख अक्ष बोली कहता। तो ये जो कनकेव मिरर एटी लिखि दउची कनकेव एटा हेगला कनकेव मिरर। तो आमर जो कनकेव मिरर रे फोकल लेंथ टा कोपटे रहइबो, कनकेव मिरर रे फोकल लेंथ आमर कोठी रहइबो फोकल लेंथ हे गला ए पोल थारु फोकस पर्यंत दूरता, पोल थारु फोकस पर्यंत दूरता ये हे गला आमर कोन फोकल लेंथ किंबा एफ स्मॉल एफ फोकल लेंथ। तो आमे देखिले जे फोकल लेंथ आमर रहउची कोपटे मिरर रो एपटे रहउची सामना रे जो पटे आमर रिफ्लेक्शन हे मिरर पछपटे रोनी, किंतु जदि आम देखा को मिरर कन्वेक्स मिरर रे तो
ये गला आमर कन्वेक्स मिरर। मिरर रो मिड पॉइंट को आम कौन को पोल बोली कही था। तो प्रिंसिपल एक्सिस एटा गला आमर प्रिंसिपल एक्सिस, ये गला आमर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये गला फोकस। तो एबे देखिबा जदि मो फोकल लेंथ कोई भी आमर कन्वेक्स मिरर किंबा उत्तल दर्पण रे तो सेइटी देखि पारथिबे मिरर पछपटे रहूची, आमर मिरर पछपटे रहूची पी एफ जोटा आमर फोकल लेंथ से जिनसटा। तो ये को मिरर कन्वेक्स मिरर, ये गला आमर कन्वेक्स मिरर। ताले आमे देखिले जे फोकल लेंथ होची मिरर एपटे रहूची कनकेव मिरर रे एवं मिरर पछपटे रहूची कन्वेक्स मिरर रे। तापरे आमर जो प्रिंसिपल एक्सिस कौनसी भी आमे ऑब्जेक्ट जो वस्तु रहिबो जदि प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर रहूची, प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर रहूची ताहाले आमे ताकु को साइन मानिबा पॉजिटिव साइन। प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर रहिले ताकु पॉजिटिव साइन मानिबा, प्रिंसिपल एक्सिस तले रहिले आमे ताकु नेगेटिव साइन मानिबा। पॉजिटिव साइन केतेबेले मानिबा जेतेबेले प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर रहिबो एवं प्रिंसिपल एक्सिस तले रहिले ताकु आमे नेगेटिव साइन मानिबा। सेकेंड पॉइंट कौन कहूँ मुँ जितेबले कौनसी भी सपोज वस्तु ए भी एटी अच्छी तो पोल ठारु वस्तुर दूरता को आमे कौन कहवा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस टा मुँ मेजर करबी कोडु मेजर करबी पोल ठारु मेजर करबी। तो पोल रु मुँ जदि लेफ्ट साइड को मेजर करुची, पोल रु मुँ लेफ्ट साइड को मेजर करुची ताहाले मुँ को साइन नेबी नेगेटिव साइन नेबी। आउ जदि मुँ पोल रु राइट आड़ को जाउची, पोल रु राइट आड़ को जाउची ताहाले मुँ पॉजिटिव साइन नेबी। आउ प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर गले पॉजिटिव तळकु आसिले नेगेटिव। ताले फोकल लेंथ सेथिपई आमर जो कनकेव मिरर रे कोण हुए नेगेटिव, काहेकि मु पोल रु मेजर करबी पी ठारु एफ को जीबी, पी ठारु एफ को गली माने से कोण हबो नेगेटिव मु जाउची तो ये इज वो नेगेटिव साइन। आउ एई केस रे मु पी ठारु राइट को जाउची सबबेले डिस्टेंस कोटु मेजर करबो पोल पॉइंट ठारु तो एठु मु एपटे राइट जाउची ता माने ये आमर इज वो पॉजिटिव साइन। ये लिखी दूँ जदि पोल ठारु मु राइट को गली ताहले पॉजिटिव साइन, और जदि पोल ठारु मु लेफ्ट आड़ को आसली ताहले नेगेटिव साइन। ये भी लिखी दूँ प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर माने पॉजिटिव साइन, प्रिंसिपल एक्सिस तले नेगेटिव साइन। आउ जदि प्रिंसिप पोल ठारु मु राइट को जाउची ताहले पॉजिटिव, आउ जदि लेफ्ट को आसुची ताहले नेगेटिव। ताहले आमर जो फोकल लेंथ टा सबु बेले कौन हम फोकल लेंथटा सबु बेले आमर अवतल दर्पण किंबा कनकेव मिरर पाई सबु बेले सी को साइन आसीबो नेगेटिव आसीबो एवं उत्तल दर्पण पाई सी सबु बेले कौन हम पॉजिटिव आसीबो फोकल लेंथटा। नेक्स्ट आम कौन देखिबा साइन कन्वेंशन देखिले, नेक्स्ट हमें देखियो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन तो हमरो मैग्निफिकेशन को हमें कौन को परिवर्धन मध्य को परिवर्धन याको हमें स्मॉल एम रे डिनोट करू, याको हमें स्मॉल एम रे डिनोट करू। तो जो मैग्निफिकेशन किंबा परिवर्धन हमर कौन परिवर्धन कौन आमर जो वर्तुलाकार दर्पण रही वर्तुलाकार दर्पण रे कनकेव हो किंबा कनवेक्स हो, कनकेव हो किंबा कनवेक्स हो सही जो दीटा दर्पण रे आमे वस्तु को रखिले, वस्तु को मिरर सामना रे रखिले तो आमर जो प्रतिबिंबटा तैयारी होतला सी वस्तुर जिते साइज अच्छी ताठारु केते बेले छोटो हो जाउतला केते बेले बड़ो हो जाउतला। तो ता माने सी कौन हो मैग्निफाई हो आइदर सीए बढ़ुची नले कमुची से जिनसटा को आम कौन कहूँ मैग्निफिकेशन कौ। तो ताकू मु लिखी दूची वर्तुलाकार दर्पण रे वर्तुलाकार दर्पण रे वस्तुर प्रतिबिंब वस्तुर प्रतिबिंब सृष्टि होइतबा बेले सृष्टि होइतिबा बेले
ବସ୍ତୁର ଆକାର ତୁଳନାରେ ବସ୍ତୁର ଆକାର ତୁଳନାରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେତେ ପରିମାଣରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଛି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୁହାଯାଏ ତ ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବସ୍ତୁର ଆକାର ତୁଳନାରେ ବସ୍ତୁର ଯେତିକି ଆକାର ଅଛି ତାର ଆକାର ତୁଳନାରେ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେତେ ପରିମାଣରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଛି ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୁହାଯାଏ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ କହୁ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିଦେଇଛି ଦ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ ଏମ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଇ ଏ ସ୍ପେରିକାଲ୍ ମିରର୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଡ ଏଜ୍ ୟାକୁ ସ୍ମଲ୍ ଏମ୍ରେ ଡିନୋଟ୍ କରୁ କ'ଣ ଲେଖିଲା ଏଚ୍ ଡେସ୍ ବାଇ ଏଚ୍ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହୁଛି ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଚ୍ ଡେସ୍ ବାଇ ଏଚ୍ ତ ଏଚ୍ ଡେସ୍ ଆମର କ'ଣ ଏଚ୍ ଡେସ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ସାଇଜ୍ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆକାର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ବସ୍ତୁର ଆକାର ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ଇମେଜ୍ ହାଇଟ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଅବଜେକ୍ଟ ହାଇଟ୍ ହାଇଟ୍ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଚ୍ ଡେସ୍ଟା ହେଇଗଲା ସିଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଚ୍ ଡେସ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇମେଜ୍ ଏଚ୍ ହେଇଗଲା ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି କହିବି ନେଗେଟିଭ୍ ରେସିଓ ଅଫ୍ ଇମେଜ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତ ଏଠି ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ କହୁଛି ଯେ ଆମର କ'ଣ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇମେଜ୍ ମାନେ ଇମେଜ୍ର ହାଇଟ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଅବଜେକ୍ଟର ହାଇଟ୍ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମିରର୍ ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ବନେଇକି ଦେଖେଇବି ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର କେଉଁ ମିରର୍ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର କନକେଭ୍ ମିରର୍ ଇଏ କେଉଁ ମିରର୍ ହେଇଗଲା କନକେଭ୍ ମିରର୍ ତାପରେ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଏକ୍ସିସ୍ ତାପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଏକ୍ସିସ୍ରେ ଇଏ ଆମର ପୋଲ୍ ଇଏ ହେଇଗଲା ସେଣ୍ଟର୍ ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍ ଇଏ ହେଇଗଲା ଫୋକସ୍ ତ ଆମର ଯେଉଁ କନକେଭ୍ ମିରର୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ରଖୁଥିଲେ ୟାର କେତେଟା କେସ୍ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କେଉଁଠି ରଖୁଥିଲେ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ରଖୁଥିଲେ ସି ଠାରୁ ଦୂରରେ ତାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ରଖୁଥିଲେ ସି ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିଲେ ଏଇଠି ରଖିଲେ ଏ ବି ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ଟା ତିଆରି ହେଉଥିଲା କେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଏଠୁ ଆମର ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରେ ଆସିବ ସିଏ ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ପାସ୍ କରିବ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଆମେ ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ପାସ୍ କରିବା ତ ସିଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଏକ୍ସିସ୍ ସହିତ ପାରାଲାଲ୍ ତ ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଯାହାକୁ ମୁଁ ନାଁ ଦେଲି ଏ ଡେସ୍ ବି ଡେସ୍ ତାହେଲେ ଇଆର ହାଇଟ୍ ଯଦି ଏ ବିର ହାଇଟ୍ ଏ ବିଟା କ'ଣ ଆମର ବସ୍ତୁ ତ ଇଆର ହାଇଟ୍ ଯଦି ଏଚ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ଡେସ୍ ବି ଡେସ୍ର ହାଇଟ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଚ୍ ଡେସ୍ ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସିଏ ଏଚ୍ ଠାରୁ କ'ଣ ଅଛି ଛୋଟ ଅଛି ଏଚ୍ ଠାରୁ ଇଏ କ'ଣ ଅଛି ଛୋଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ହେବ ଏଠି ବଢ଼ିବ ନା କମିବ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବର ହାଇଟ୍ ତାମାନେ ଏଚ୍ ଡେସ୍ ବାଇ ଏଚ୍ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଏଚ୍ ଡେସ୍ ଛୋଟ ଅଛି ତାମାନେ ନ୍ୟୁମେରେଟର୍ରେ ଯେଉଁ ଭାଲ୍ୟୁଟା ଅଛି ସିଏ ଛୋଟ ଅଛି କାହାଠାରୁ ଡିନୋମିନେଟର୍ ଠାରୁ ତାମାନେ ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଆସିବ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଚ୍ ଆମର କେତେ ଅଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଚ୍ ଯଦି ମୁଁ କହିବି 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଚ୍ ଡେସ୍ ଆମର ତାଠାରୁ ଛୋଟ ମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ ସପୋଜ୍ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାହେଲେ
टू बाय थ्री जदि आम करवा यार वैल्यू कौन आसो लेस देन वन आसो लेस देन वन आसो ताने आमर प्रतिबिंबर आकार कौन हो गला छोट हो गला प्रतिबिंबर आकार आमर छोट हो गला यही केस रे प्रतिबिंबर आकार आमर कौन हो गला छोट हो गला मैग्निफिकेशन देखिले आम लेस देन वन आसला। नेक्स्ट जदि मुझे ये कहि आम ऑब्जेक्ट को कौटी रखा ताहले फर्स्ट पॉइंट मु कौन कहली लिखुची जिते बड़े आम वस्तु को कौटी रखुले सी ठारू दूर रे वस्तु सी ठारू कौटी अच्छी दूर रे अच्छी सी ठारू दूर रे अच्छी तो कौ मिरर पाई कॉनकेव मिरर पाई तो सही केस रे आमर एम रो वैल्यू कौन आसुला लेस देन वन आसुला एम रो वैल्यू लेस देन वन। सेकेंड केस जदि मु कहि वस्तु को आम कौटी रखा सी ठारे रखा वस्तु कौटी रही सी ठारे ताले सही केस रे मैग्निफिकेशन कौन हम जिते बड़े आम देखुले मिरर बनईकिटा गला कॉनकेव मिरर ये गला प्रिंसिपल एक्सिस तो ये गला सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस ये गला पोल तो आम वस्तु को जिते बड़े सी ठारे रखुले ए बी आमर प्रतिबिंब भी कौटी तैयारी होता सी ठारे ही तैयारी होता सी ठारे तैयारी होता ए डैश बी डैश एवं एमानंकर ए बी रो हाइट जदि मु एच अच्छी ए डैश बी डैश रो हाइट एच डैश सेमानंकर कौन हम हाइट समान रहइबो वस्तुर आकार एवं प्रतिबिंबर आकार कौन होतला सही केस रे आमर समान होतला जोटा कि मु ऑलरेडी कहिछि तो एठी आमर एम रो वैल्यू कौन आसीबो ताले एच डैश आउ एच जदि समान अच्छी ताले एच डैश बाय एच कौन हो समान अच्छी माने कैंसिल आउट हो तो केते आसीबो वन आसीबो केते आसीबो वन आसला तो एई केस रे आमर कौन आसला वस्तु को जदि आमे सी ठारे रखिबा तो मैग्निफिकेशन आमर कौन आसुची वन आसुची। नेक्स्ट पॉइंट जदि कहि वस्तु को आमे कौठी रखिबा वस्तुर स्थिति सीओएफ मध्यरे जदि रखिबा आमर मैग्निफिकेशन कौन हम ताले ये गला मिरर ये गला प्रिंसिपल एक्सिस ये गला सेंटर ऑफ कर्वेचर ये गला फोकस ये गला पोल वस्तु को आम कौटी रखा सी ओ एफ मध्य ताने आम वस्तु को ये रखा ए बी ए आउ बी तो एठू गोटे रे आसो इनसीडेट रे सी फोकस पॉइंट देखिए पास कर आउ गोटे आसला तो सी भी एमती पास कर आमर जो प्रतिबिंबटा या तो डायग्राम रे एठी ठीक आसुनी किंतु एभलिया तैयारी हबो तो प्रतिबिंबर आकार एवं वस्तुर आकार तुलना रे कौन अच्छी प्रतिबिंबर आकार बड़ अच्छी ताने एच डैश आउ ये गला एच तो एच डैश आमर कौन अच्छी बड़ अच्छी एच ठारू ताने ये जदि मु कह आमर वस्तु थिला केते 3 सेंटीमीटर ताने ये अच्छी केते 4 सेंटीमीटर ताले मैग्निफिकेशन केते हबो एच डैश बाय एच 4 बाय 3 ताने ये ग्रेटर देन 1 आसुची तो मैग्निफिकेशन यही केस रे हमरो कौन आसला ग्रेटर देन वन आसला मैग्निफिकेशन यही केस रे हमरो कौन आसला ग्रेटर देन वन आसला। तो सही भोलिया जदि वस्तु को हमें आउ कोठी रखिबा एफ ठारे रखिबा वस्तु को हमें कोठी रखिबा एफ ठारे रखिबा तो सही केस रे भी हमरो मैग्निफिकेशन कौन हबो ग्रेटर देन वन आसीबो कारण सही केस रे आमर प्रतिबिंबर आकार कौन हो बड़ हो जाऊ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन माने आमर प्रतिबिंबर आकार वस्तुर आकार तुलन में बड़ अच्छी मैग्निफिकेशन इक्वल टू वन माने वस्तुर आकार प्रतिबिंबर आकार समान अच्छी मैग्निफिकेशन लेस देन वन माने वस्तुर आकार तुलन में प्रतिबिंबर आकार कौन अच्छी छोट अच्छी। फाइव रे जदि कह आम वस्तु को कौटी रखा वस्तु रमर एफ ओ पी मध्य फोकस आउ पोल मध्य जदि मैग्निफिकेशन एई केस रे भी कौन हम मैग्निफिकेशन एई केस रे भी ग्रेटर देन वन हम बड़ हम ताने आमर प्रतिबिंबर आकार वस्तुर आकार तुलन में बड़ अच्छे। नेक्स्ट आम वस्तु को कौटी रखा वस्तु को जदि आम इनफिनिटी ठारे रखा अनंत दूरतार वस्तुर स्थिति कौटी अच्छी अनंत दूरतार तारे
ତାହେଲେ ଆମର ମାଗ୍ନିଫିକେସନ କ'ଣ ହେବ, ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ପଏଣ୍ଟ ସାଇଜ ଇମେଜ ଆମର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ତ ମାଗ୍ନିଫିକେସନ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 ଆସିବ। ତ ଏଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମାଗ୍ନିଫିକେସନ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 ହେଉଛି, ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଲେଖୁଛି କେସ୍ 1, ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଜାଣିଲେ ମାଗ୍ନିଫିକେସନ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 ହେଉଛି, ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର କିମ୍ବା ତାର ହାଇଟ୍ଟା ବସ୍ତୁର ଆକାର ତୁଳନାରେ ଛୋଟ, ଆଉ ଯଦି ମାଗ୍ନିଫିକେସନ ଗ୍ରେଟର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 ହେଉଛି କେସ୍ 2, ତାହେଲେ ସେଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର କିମ୍ବା ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଇମେଜ, ଏଠି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଦେଉଛି ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଇମେଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅବଜେକ୍ଟ, ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ଥାର୍ଡ କେସ୍ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆମେ, ଯେତେବେଳେ ମାଗ୍ନିଫିକେସନ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 ହେଉଛି, ସେଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଇମେଜ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଇମେଜ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅବଜେକ୍ଟ, ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଏଠି ବି ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖିଦେଉଛି ଲିଭେଇକିରି, ନହେଲେ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଇମେଜ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ତ ଏଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିରର୍ଟା ଥିଲା ଆମର, ଏଇଟା ଥିଲା ସି ପଏଣ୍ଟ, ଏ ହେଇଗଲା ଏଫ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଇଏ ହେଇଗଲା ପି ପଏଣ୍ଟ, ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ସି ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଛେ, ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତିଆରି ହେଉଛି ସିଏ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସି ଠାରୁ ତାକୁ ପୋଲ୍ ଆଡ଼କୁ ନେଉଛେ, ତାହେଲେ ସିଏ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର କ'ଣ ହେଉଛି, ବଡ଼ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାର ଥିଲା ମାଗ୍ନିଫିକେସନରେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତେ ଏଠି କହିଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା 6ଟା ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା କେଉଁ କେସ୍ରେ ଥିଲା ଆମର, କନକେଭ୍ ମିରର ପାଇଁ, କନକେଭ୍ ମିରର ପାଇଁ, ଆଉ କନଭେକ୍ସ ମିରର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିପାରିବେ, ତାର 2ଟା କେସ୍ ରହୁଛି, ତାର 2ଟା କେସ୍, ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ଲେଖିଦେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ କେଉଁଠି ରଖିବା, ବସ୍ତୁର ସ୍ଥିତି ପୋଲ୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ, ବସ୍ତୁର ସ୍ଥିତି ପୋଲ୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ, ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ମାଗ୍ନିଫିକେସନ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 ଆସିବ, ତା ମାନେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ଛୋଟ ହେଇଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ, ବସ୍ତୁର ସ୍ଥିତି ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ, ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ, ସେଇ କେସ୍ରେ ବି ମାଗ୍ନିଫିକେସନ କ'ଣ ଆସିବ, ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 ଆସିବ, କାରଣ ସେଠି ଆମର ପଏଣ୍ଟ ସାଇଜ ଇମେଜ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଏଇଟା କେଉଁ କେସ୍ରେ, କନଭେକ୍ସ ମିରର ପାଇଁ, କନଭେକ୍ସ ମିରର ପାଇଁ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଆମର ଯେଉଁ ମାଗ୍ନିଫିକେସନକୁ ମୁଁ କହିଲି, ମାଗ୍ନିଫିକେସନ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା, ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଇମେଜ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅବଜେକ୍ଟ, ୟାକୁ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖୁ, ନେଗେଟିଭ ଅଫ୍ ଭି ବାଇ ୟୁ, ନେଗେଟିଭ ଅଫ୍ ଭି ବାଇ ୟୁ, ଭି ଆମର କ'ଣ, ଏଚ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଇମେଜ, ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଇମେଜ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆମର ତାର ଆକାର, ଇଏ ହେଇଗଲା ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅବଜେକ୍ଟ, ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅବଜେକ୍ଟ, ଭି ହେଇଗଲା କ'ଣ, ଯେଉଁ ଆମର ଇମେଜ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା, ଇମେଜ ପୋଲ୍ ଠାରୁ କେତେ ଦୂରତାରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଇମେଜ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏବଂ ୟୁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲା, ୟୁ ହେଇଗଲା ଆମର ଅବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଅବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ତ ୟାର ବି ଡେରିଭେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଏଚ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ବାଇ ଏଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ନେଗେଟିଭ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ଭି ବାଇ ୟୁ କେମିତି ହେଲା, ତ ସେଇ ଡେରିଭେସନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିଦେଲି।
ଏହାକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ କରିଦେଉଛି। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଫିଗରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି, 1x ଅଛି, ଏଠି 5x ଅଛି, ଏଠି 10x ମାଗ୍ନିଫିକେସନ ହେଉଛି। 1x ରୁ 5x କୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା, 5 ଟାଇମ୍ ମାଗ୍ନିଫାଏ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଠି 2 ଟାଇମ୍ସ ମାଗ୍ନିଫାଏ ହେଇଗଲା, ଏଠି 1 ରୁ 5 ଟାଇମ୍ ମାଗ୍ନିଫାଏ ହେଇଗଲା। ଫିଗର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ 2 ଟାଇମ୍ସ ମାଗ୍ନିଫାଏ ହେଲା। ତ 1 ରୁ ଯଦି ଆମେ 10 ଟାଇମ୍ସ ମାଗ୍ନିଫାଏ କରିବା ତ ଫିଗର ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ତ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି, ଫିଗର ମାଗ୍ନିଫାଏ ହେଇଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ମିରର ଫର୍ମୁଲା କହିଲି ଏବଂ ମାଗ୍ନିଫିକେସନର ଫର୍ମୁଲା ଯେଉଁଟା ଏଇଟା, ୟାକୁ ନେଇକି ଏବେ ଆମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମାଗ୍ନିଫିକେସନର ଆଉ କିଛି ଟର୍ମ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଦେଉଛି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ମାଗ୍ନିଫିକେସନ ମୁଁ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 ହେଉଛି, ମାଗ୍ନିଫିକେସନ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 ହେଉଛି, ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଆମର ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଇମେଜ୍, ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ବସ୍ତୁର ଆକାର ଠାରୁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି। ସମାନ କେତେବେଳେ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମାଗ୍ନିଫିକେସନ 1 ହେଉଛି, ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ବସ୍ତୁର ଆକାର ଠାରୁ ବଡ଼ କେତେବେଳେ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମାଗ୍ନିଫିକେସନ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 1 ହେଉଛି। ଏଠି ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଠି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 1 ହେବ, ମାଗ୍ନିଫିକେସନ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 1, ଏହାକୁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ ହିଁ ଲେଖୁଛି। ତ ମାଗ୍ନିଫିକେସନର ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ସାଇନ୍ କନଭେନସନ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିଲି, ସପୋଜ୍ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା କନଭେକ୍ସ, ସରି କନକେଭ୍ ମିରର। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ, ପୋଲ, ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍, ଇଏ ହେଇଗଲା ଫୋକସ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ କେଉଁଠି ରଖୁଛି, ସି ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିଲେ, ତ ଏଇଠି ଏ ବି ଅଛି, ତ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ଆମର ସି ଆଉ ଏଫ୍ ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି ହେବ, ଏ ଡେସ୍ ବି ଡେସ୍। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ, ଏଚ୍ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅବଜେକ୍ଟ, ଇଏ ହେଇଗଲା ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଇମେଜ୍। ତ ଏବେ ସାଇନ୍ କନଭେନସନ୍ ଯଦି କହିବି, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏକ୍ସିସ୍ରୁ ଉପରକୁ ନେବା ପଜିଟିଭ୍ ସାଇନ୍ କନସିଡ଼ର କରିବା, ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ନେବା ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇନ୍ କନସିଡ଼ର କରିବା। ତା ମାନେ ମାଗ୍ନିଫିକେସନ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଚ୍ ଡେସ୍ ବାଇ ଏଚ୍। ସପୋଜ୍ ଏଚ୍ ଡେସ୍, ଏଚ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଇଗଲା 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତ ଇଏ ତା'ଠାରୁ ଛୋଟ, ତା ମାନେ ମୁଁ କହିବି 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଛି, ତ ନେଗେଟିଭ୍ 2 ଆସିବ, କାରଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏକ୍ସିସ୍ ତଳକୁ ଅଛି ଏଚ୍ ଡେସ୍, ତ ନେଗେଟିଭ୍ 2, ଆଉ ଇଏ ହେଇଯିବ ପଜିଟିଭ୍ 3। ତ ମାଗ୍ନିଫିକେସନ ଯାହା ବି ଆସୁ, ତ ସିଏ ଆମର କେଉଁ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ, ମାଗ୍ନିଫିକେସନ ନେଗେଟିଭ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଲା। ତା ମାନେ ଯଦି ମାଗ୍ନିଫିକେସନ ଆମର ନେଗେଟିଭ୍ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ମାଗ୍ନିଫିକେସନ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଆସୁଛି, ଆମେ ସେଇ କେସ୍ରେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ସିଏ ଅଲଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇ କେସ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଲଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଅଲଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କହୁ, ଅଲଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କହୁ। ଆଉ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ବି ଆମର କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସିଧା ହେବ, ସିଧା ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଇରେକ୍ଟ, ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଆମର ମାଗ୍ନିଫିକେସନ କ'ଣ ଆସିବ, ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବ। କାହିଁକି, ଯଦି ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏକ୍ସିସ୍, ଇଏ ହେଇଗଲା ମିରର, ତ ଏଇଠି ଯଦି ଆମର ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଏ ବି, ତ ଆମର ଯେଉଁ ଯଦି ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ତା'ର ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏକ୍ସିସ୍ ଉପରକୁ ହିଁ ଆସିଲା, ସପୋଜ୍ ଏପଟେ ଆସିଲା ଏ ଡେସ୍ ବି ଡେସ୍, ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମାଗ୍ନିଫିକେସନ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବ, କାରଣ ବସ୍ତୁର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଉ ବସ୍ତୁର ହାଇଟ୍ଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏକ୍ସିସ୍ ଉପରକୁ ଅଛି, ତା ମାନେ ଆମର ମାଗ୍ନିଫିକେସନ କ'ଣ ଆସିବ, ପଜିଟିଭ୍ ସାଇନ୍ ଆସିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସିଏ ଇରେକ୍ଟ ଅଛି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, କେସ୍ 1, ଯଦି ମାଗ୍ନିଫିକେସନ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସୁଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇନ୍, ତା ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଇମେଜ୍, ସିଏ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଇମେଜ୍ କିମ୍ବା ଏଠି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଲେଖିଦେଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ, ସିଏ ଆମର ଇନଭର୍ଟେଡ୍, ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କିମ୍ବା ଅଲଟା। କେସ୍ 2, ଯଦି ଆମର ମାଗ୍ନିଫିକେସନ କେଉଁ ସାଇନ୍ ଆସୁଛି, ପଜିଟିଭ୍ ସାଇନ୍ ଆସୁଛି, ମାଗ୍ନିଫିକେସନ ଆମର ପଜିଟିଭ୍ ସାଇନ୍ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କ'ଣ ହେବ, ଇମେଜ୍ କିମ୍ବା ଏଠି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଲେଖିଦେଉଛି, ଇଏ ଆମର ଇରେକ୍ଟ, ସିଧା ଆସିବ, ଇରେକ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ସିଧା। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ବସ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ସିଧା ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସରି ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ଆମର ଇରେକ୍ଟ ହେଉଛି କିମ୍ବା ସିଧା ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇମେଜ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଦେଖିଥିଲେ,
तो आपण मैंने सेटा मैं सब देखिपारे जिते बड़े भी आमर प्रतिबिंब इरेक्ट हो सीधा हो तो सही केस रे आमर जो इमेज फॉर्मेशन हे सी केमी हम वर्चुआल हम आउ जो केस रे आमर इमेज प्रतिबिंबटा इनवर्टेड हो सही केस रे आमर प्रतिबिंबटा केमती रियल वास्तव में तैयारी होची एई केस रे वर्चुअल वर्चुअल मीन्स सी दर्पण पछपटे तैयारी होची जहाँ को आम कौन कहू आभासी बोली कहू आउ जो केस रे आमर रियल तैयारी होची ताको आम वास्तव कहू जोड़ा मिरर सामनारे तैयारी होची। तो इतनी जिनस मुझे कहली नेक्स्ट एवं आम क्वेश्चन सॉल्व करवा तो मुझे गोटे गोटे क्वेश्चन देखा फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ये हेगला तो क्वेश्चन सी कौन कौन फर्स्ट क्वेश्चन आम को सी कौन कौन सी कौन जे ये कौन लिखाई सपोज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर तापर दे हाइट ऑफ इमेज तमें प्रतिबिंबर हाइट 12 सेंटीमीटर देम को कौन पचार मैग्निफिकेशन पचार एम रैल्यू पचार तो आम जाचे आम को गिवेन कौन कौन अच्छे सल्यूसन कि आंसर लिखुची ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स कौन एच डेस 3 सेंटीमीटर तापर आमको आ कौन दिखाई हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ इमेज मीन्स एच डेस के 12 सेंटीमीटर दिखाई तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू कौन एच डेस बाय एच तो 12 बाय 3 इक्वल टू के 4 हो गला तो आंसर हो 4। मैग्निफिकेशन रो यूनिट न था कारण आम सेंटीमीटर सेंटीमीटर कौन हो कैंसल आउट हो तो आंसर आसला आम 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन सी कौन कौन सपोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर फाइंड मैग्निफिकेशन पचारे ये आमको सी हाइट दिखाई आमको दिखाई कौन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आम कौ सिंबल रे रिप्रेजेंट करते यू रे रिप्रेजेंट करते मैंने आमको यू रैल्यू दिखाई आउ कार वैल्यू दिखाई इमेज डिस्टेंस जहाँ को आम वि रे रिप्रेजेंट करते यू होगा आम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जोटा वस्तुर दूरता वि होगा आम इमेज डिस्टेंस जोटा प्रतिबिंबर दूरता तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के 3 सेंटीमीटर तो आम लिखले 3 सेंटीमीटर आउ बी होगा आमको के 12 सेंटीमीटर तापर आम मैग्निफिकेशन लिखा तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू कौन कही माइनस ऑफ बी वाय यू माइनस ऑफ बी वाय यू तो ये मुझे यू रो साइन पॉजिटिव नेगेटिव मु किछि भी लिख लिनी यू रो साइन पॉजिटिव कि नेगेटिव हम कौन हम देख सी कौन क्वेश्चन आम कौन कही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो ये मिरर अच्छी ये गला प्रिंसिपल एक्सिस ये गला पोल ये गला सेंटर ऑफ कर्वेचर ये गला फोकस तो ऑब्जेक्ट को रखाई इन फ्रंट ऑफ द मिरर मिरर सामने रखाई कौट भी रखाई सपोज ये रखाई ऑब्जेक्ट को आम ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो आम जो इमेज तैयारी सी कौटी हो इन फ्रंट ऑफ द मिरर मिरर सामने तैयारी तो मिरर सामने केतरी हे सी मिरर सामने केतरी हे जिते सी ओल्टा तैयारी हे तमें डाउनवर्ड सपोज कौट भी याला ये जदि रखा सपोज मुझे कहली ये याला याला तो येगला आम के दूरतार अच्छी पोल ठारू आम डिस्टेंस मेजर करवा पोल ठारू यार डिस्टेंस जदि मेजर करवा पोल रू आम कौ साइड को आसचे लेफ्ट साइड को मैंने ये नेगेटिव साइन आसीज आउ भी रो भी डिस्टेंस जदि मेजर करवा पोल रू आम एति पर्यंत आसवा ये भी आम कौ साइड आसचे लेफ्ट साइड आसचे मैंने ये भी आम नेगेटिव साइन आसीबो तो ये मु -3 -12 लिखी माइनस गोटे सेकेंड या लिभे दिए तापर लिखुचे -3 -12 तो कौन पाई लिखली कारण सी कही इन फ्रंट ऑफ द मिरर रे भी आमर इमेज तैयारी होची आउ इन फ्रंट ऑफ द मिरर रे भी कौन अच्छी ऑब्जेक्ट अच्छी तो से नेगेटिव साइन आसला कारण सी पोल रु आम लेफ्ट साइड को मेजर करुचे तो नेगेटिव बी होगा के -12 डिवाइडेड बाय -3 नेगेटिव नेगेटिव कैंसल आउ गोटे नेगेटिव अच्छी तो -4 आसो तो आंसर ऑप्शन नंबर
बी हिजबो यार एनसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा, नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन कहूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन कहूँ, एक कन्वेक्स मिरर से कौ मिरर कहला, कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू। रियर व्यू मीन्स पछ साइड देखा यूज करोथे ऑटोमोबाइल किंबा जो जानवाहन अच्छी से। रेडियस ऑफ कर्वेचर आमको दिखाई 3 मीटर, आमको कौन दिखाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर रो वैल्यू दिखाई। इफ ए बॉस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, बॉस इज लोकेटेड मिरर मिरर ठारू के दूरतार सी अच्छी 5 मीटर, तो सी आम कौन हो वस्तु हो तो सी है गला यू। फाइंड द पोजिशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज पचार पोजिशन मिरर जो आम प्रतिबिंब तैयारी हम तार पोजिशन नेचर एवं साइज कौन रहा विषय आमको क्वेश्चन में पचार। तो आम कन्वेक्स मिररटा केमती थाए, कन्वेक्स मिररटा आमर यहाँ थाए, ये गला आमर कन्वेक्स मिरर। तो यार आंसर लिखुची आमको कौन दिखाई आर रैल्यू दिखाई 3 मीटर, ताले फोकल लेंथ कौन हो फोकल लेंथ आर बाय टू, आर बाय टू मीन्स 3/2, तो आमको केते मिलला 1.5 मीटर। तो आम देखिले जे फोकल लेंथ आमको कौन मिलला पॉजिटिव मिलला, फोकल लेंथ आमको कौन मिलला पॉजिटिव मिलला, नॉले एमिटी मध्ये कोई परबा हमर जो फोकल लेंथ टा कन्वेक्स मिरर रो एटा जदी कन्वेक्स मिरर ये गला पोल, ये गला सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये गला ए, तो आम कौटी मेजर करू पोल रु एति की दूरता आम फोकल लेंथ हुए ताहले ये कौन है जो पॉजिटिव साइन आसीबो। तो से भाया आकार मुझे लिखुची ये फोकस ऑफ, फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, सो फोकल लेंथ आमर कौन है पॉजिटिव साइन आसीबो पॉजिटिव 1.5 मीटर। तो आमको फोकल लेंथ मिली गला सी कौन आसला पॉजिटिव साइन आसला, कौन पाई पॉजिटिव साइन आसला कारण कन्वेक्स मिरर रे सी पछ पट को जाउचे बिहाइंड द मिरर, किंबा साइन कन्वेंशन जदि आमे देखिबा पोल ठारु आमे राइट आड को जाउचे फोकल लेंथ मेजर करबा पई पोल ठारु राइट आड को जाउचे तो पॉजिटिव साइन आसला। तापर आमको गिवेन अच्छी कौन गिवेन अच्छी यू, यू जोटा बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, ता माने एठी अच्छी कोठी मिरर सामने अच्छी सपोज ये गला आमर कौन बस, ताले यू आमर मु कौन कहि पोल रु आमे जो बस रो दूरता को मेजर करबा लेफ्ट आड को जीवा, लेफ्ट आड को जीवा मीन्स कौन नेगेटिव साइन आसीबो तो नेगेटिव 5 मीटर। तापर एबे आमे कौन कहबा मिरर फॉर्मूला यूज करबा, यूज मिरर फॉर्मूला, यूज मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला जिते बड़े हमें यूज करवा कौन कहली 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, तो ये आसीज 1/1.5, ये आसीज कौन 1/-5 प्लस 1/v, तो 1/v इक्वल टू के आसो ये आसीज 1/1.5 प्लस 1/5। तो या को जदि आमे सॉल्व करिबा तो आमर वी केते आसीबो 15/3 आसीबो जाको मु लेखि परबी 1.15 मीटर, 1.15 मीटर। तो आमे देखिले जे वी आमर कोन आसीला पॉजिटिव साइन आसीला, एटी किछि भी नेगेटिव वैल्यू आसीनी पॉजिटिव वैल्यू आसीला, तो से जिनसोटा एथि लेखु छी V comes positive sign, so image हमारे जो प्रतिबिंब तैयारी हे image produced कौटी हम behind the mirror, हम mirror पछपटे हम behind the mirror, कारण mirror सामने जदि हे mirror सामने जदि तार प्रतिबिंब तैयार हो तो नेगेटिव साइन आसो कारण पोल रु आम एपट को जीवा आ पोल रु जदि राइट को जीवा सी मिरर पछपटे जाऊँगी पोल रु राइट को गले मिरर पछपटे, तो से आमर साइन कौन आसला पॉजिटिव साइन भी आसला।
तापर एबे आमे देखिबा मैग्निफिकेशन एम कौन हो ताले नेगेटिव वी ऑफ यू तो नेगेटिव साइन 1.15 1.15 डिवाइडेड बाय माइनस 5 तो यार वैल्यू केते आसीबो ताले यार वैल्यू आसीला 0.23 ता माने आमे देखिले जे मैग्निफिकेशन आमरो कौन आसीला लेस देन 1 आसीला मैग्निफिकेशन आमरो लेस देन 1 आसीला तो जदि आमर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आसला आउ कौन आसला एटी पॉजिटिव साइन आसी तो से जिनसटा मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आसला ता माने आमर इमेज कौन हिजबो डिमिनाइज्ड हिजबो छोट हिजबो इमेज डिमिनाइज्ड वस्तुर आकार तुलना रे प्रतिबिंबर आकार कौन हिगला छोट हिगला तापरे एम साइन कौन आसला एम इज पॉजिटिव साइन आसला ता माने इमेज कौन हिजबो आमर इमेज इज इरेक्ट इरेक्ट मीन सीधा इरेक्ट जदि हला ताले प्रतिबिंबटा कोन हिजबो वर्चुअल हबो ता माने आभासी हिजबो इरेक्ट एंड वर्चुअल एक्चुअली रे हमरो जो इंसिडेंट रे आसछि सेगुडा रियल रे मीट करिवे नाही जते बेले रिफ्लेक्ट करिवो रियल रे मीट करिवे नाही तो सेति पे आमे ताकु मीट करू तो सेति पे आमे कोन को वर्चुअल बोली को नेक्स्ट आउ गोटे क्वेश्चन देखिवो नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन कौन एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर साइज तारो साइज के 4 सेंटीमीटर प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर को मिरर अच्छी कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ दिया 15 सेंटीमीटर व्हाट डिस्टेंस सेम जिनस ये भी पचार फाइंड द नेचर साइज ऑफ द इमेज तो ये भी आमको सेम जिनस पचार किंतु मिरर आमर चेंज हो मिरर हो जाए कॉनकेव मिरर हो जाए ताले कॉनकेव मिरर टा केमती थाए ये गला कॉनकेव मिरर तो ये गला सेंटर ऑफ कर्वेचर ये गला फोकस ये गला हमर पोल तो एठी दिया हिची 4 सेंटीमीटर साइज कौन दिया हिची हमको जोड़ा एच एच हमको दिया हिची केते 4 सेंटीमीटर ता माने पॉजिटिव 4 हबो से ऊपर को रहइबो प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर को आउ यू रो वैल्यू दिया है जी कहते 25 सेंटीमीटर तो सी नेगेटिव आसीबो कारण आमे पोल रू मेजर करिबा एपोट मिरर सामना रे कोन अछि ऑब्जेक्ट अछि तापरे हमको फोकल लेंथ दिया है जी सी भी कोन आसीबो हमरो 15 सेंटीमीटर नेगेटिव साइन आसीबो कारण पोल रू आमे मेजर करिबा एफ पर्यंत तो एतिक जिंस अछि हमको तो जदी मिरर फार्मूला यूज करिबा यूजिंग मिरर फार्मूला मिरर फॉर्मूला 1/a = 1/b + 1/u तो कौन है जो 1/-15 = 1/b तो दिया है नहीं प्लस 1/-25 तो हमको b कौन मिल जो या कुछ यदि हमें सॉल्व करवा b रो वैल्यू हमको मिल जो -75/2 किंबा 37.5 सेंटीमीटर तो इतनी जिनस हमको मिलला वी हमको मिलला माइनस मिलला किंतु 37.5 तो जदि आम देखा वी हमको केमती मिलला नेगेटिव साइन मिलला वी हमको कौन मिलला नेगेटिव साइन ता माने नेगेटिव साइन जदि मिलला वी कम्स नेगेटिव साइन दैट मीन्स कौन हमर जो प्रतिबिंबटा तैयारी हेबो सी कोठी तैयारी हेबो दैट मीन्स स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो आमर जो स्क्रीन को आमे कोठी रखिबा ताले सामनारे रखिबा मिरर सामनारे रखिले सिना नेगेटिव साइन आसीबो जदि मिरर पछपटे रखिदबा ताले पॉजिटिव साइन आसीबो कारण पोल रु आमे राइट को गले पॉजिटिव साइन लेफ्ट को आसीले नेगेटिव साइन ताले आमे देखिले जे आमर जो स्क्रीन को किंबा प्रतिबिंब को आमे कोठी रखिले
प्रतिबिंब आम कौटी या इन फ्रंट ऑफ द मिरर सिंस आमर जो इमेजटा या कौन कौ प्रकार इमेज हे रियल कि वर्चुआल हम इमेज आमर रियल हो आमर जो प्रतिबिंब या रियल इमेज या तो आम देखिले जे आमर जो प्रतिबिंब या सी रियल इमेज या आम देखा मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन कौन हो एच डैश बाय एच इक्वल टू नेगेटिव बी ऑफ यू तो आमर नेगेटिव साइन आसो बी आमर के 75/-75/2 यू अच्छी -25 तो आमर एच डैश के ताले ये आसीज नेगेटिव ऑफ 75/2 इंटु 25 आमर इंटु हो कौन एच हो तो आसीगला नेगेटिव 75/2 इंटु 25 एच रैल्यू आमर के एच रैल्यू थी आमर 4 तो 4 पुट कली जितने आपको सल्व करवा 25 × 3 = 2 तो आसीज आमर नेगेटिव 6 cm तो आम देखिले जे आमर मैग्निफिकेशन कौन मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू सॉरी एच डैश बाय एच तो आमर एच डैश आसला -6 ये आसला 4 या जदि आम सल्व करवा के 2 3 तो आसीज आमर -1.5 मैग्निफिकेशन आसला -1.5 तो आम देखिले जे मैग्निफिकेशन जदि आमर नेगेटिव साइन आसला ताले आम जानते कौ प्रकार आमर हम मैग्निफिकेशन जदि नेगेटिव साइन आसला इमेज आमर केमती या इमेज इज इनवर्टेड आ जदि इनवर्टेड है सी रियल हम तो ये जो ऑलरेडी मुझे रियल लिखिदेगी ताने मुझे इनवर्टेड लिखिपारि इनवर्टेड मीन्स कौन अल्टा तापर मैग्निफिकेशन आमर ग्रेटर देन वन थारु सी ग्रेटर देन आसला के 1.5 आसला या मान कौन मैग्निफिकेशन जिते बड़े ग्रेटर देन आसुची ता मैंने प्रतिबिंबर आकार वस्तुर आकार ठार बड़ अच्छी ता मैंने इमेज इज कौन अच्छी एन लार्ज इमेज एन लार्ज तो आम जाणीगले इमेज रियल इनवर्टेड एंड एन लार्ज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन कौन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर इज +1 मैग्निफिकेशन के +1 कौ मिरर रे प्लेन मिरर रे ताले या माने कौन से पचार या माने कौन तो मैग्निफिकेशन केते दे आमको मैग्निफिकेशन दे आमको +1 तो पॉजिटिव साइन माने कौन पॉजिटिव साइन या माने कौन पॉजिटिव साइंस माने आमर जो इमेजटा तैयारी हम सी केमी हम वर्चुअल हम एंड इरेक्ट हम आ मैग्निफिकेशन इक्वल टू वन माने के एम इक्वल टू वन या माने है गला हमरो जो हाइट ऑफ इमेज किंबा प्रतिबिंब आकार वस्तुर आकार कौन हुए समान हुए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या माने इतनी ही वर्चुअल इरेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कौन हो समान हो तो आज पाई एतिकी पुणी नेक्स्ट क्लास रे देखा हबो थैंक यू।